डिंपल मीना हत्याकांड को लेकर के, जिसका पिछले 4-5 महीने से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर साहब से मिले समाज के हमारे मुखिया के नाते, इसमें नॉन पॉलिटिकली चाहे वो कांग्रेस बीजेपी का कोई भी विधायक हो, हम सब लोग समाज के नाते डॉक्टर साहब के पास आए हैं। सांसद भी हैं, एसटी एससी के सब लोग हैं। इस मुद्दे को लेकर के समाज में बहुत स्थिति हो रही है, जांच की है, उस जांच से समाज संतुष्ट नहीं है। हम जनप्रतिनिधि भी उस जांच को लेकर के थोड़ा संदेह में है। हमने डॉक्टर साहब को पूरा प्रकरण समझाया, उनके पास पूरी रिपोर्ट भी है, हमने रिपोर्ट भी देखी है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो पंच पटेल हैं उनके भी ये मुद्दा जो है संदेह के घेरे में आ रहा है। तो हमने अभी डॉक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इस प्रकरण को जो पुलिस ने जांच की है, उस जांच पे जो संदेह प्रकट किए जा रहे हैं वो खत्म हो और सही स्थिति समाज के सामने आए, जिससे समाज में जो अभी आक्रोश जो फैला हुआ है वो रुके और वास्तविकता सामने आए। डॉक्टर साहब ने अभी मुख्यमंत्री जी से समय लिया है, हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप इस प्रकरण की सीबीआई जांच करवा दी जाए, तो निश्चित रूप से उस जांच रिपोर्ट पे, उस निर्णय पे समाज में भी इसमें एक राय व्यक्त की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी डॉक्टर साहब को समय दिया है, अभी आ जाएगा और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे हमारे समाज की जो भावना है वो भावना को प्रकट करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इसमें निष्पक्ष रूप से जो परिणाम आए वो प्रकट होना चाहिए। ठीक है, सभी सांसद विधायक हैं, उन्होंने निर्णय लिया है डिंपल प्रकरण हिंडौन में हुआ था, जिसका काफी दिनों से धंधा भी चल रहा है, चारों तरफ से आवाज भी उठ रही है, राज्य पुलिस ने की है उसको ये पूरी नहीं मानते, आधी अधूरी मानते हैं, तो सभी की मानसिकता ये किसी प्रकार का संतोष नहीं फैले, सभी इधर देखते हैं लोगों में भ्रम की जो स्थिति बनी है वो खत्म हो, तो उसको मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके सामने इस प्रकरण को रखेंगे और सभी कोशिश ये करेंगे कि ये मामला सीबीआई को दे दिया जाए ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके। वैसे तो मेरी दृष्टि में पुलिस ने जांच ठीक की है, फिर भी जब पूरा समाज ये चाहता है सीबीआई, तो मुख्यमंत्री जी को सब पार्टी अनुरोध करेंगे।